हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एनोदो चैनल। ठीक है दोस्तों, ये मेरा और दूसरा चैनल है, आपके लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज का जगह है ये मधुबनी रेस्टोरेंट पे, जो व्यू भी बोला जाता है, रिसोर्ट भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग के लिए मधुबनी रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो चले आज आपको मैं शेयर कराता हूँ। इससे भी पहले मैंने आपको तूसा रिवर व्यू का साइट दिखाया था, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। ऐसे पसंद करना, लाइक करना और मेरे को चैनल को आशीर्वाद देते रहना। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं और आप चलते हैं मधुबनी रेस्टोरेंट का एक झलक देखने के लिए। ठीक है, चले। देखो दोस्तों, ये व्यू है इस जगह का। ये देखिए, अभी बादल पूरा छाया हुआ है, धूप नहीं है। ऊपर देखिए, बादल पूरा छाया हुआ है, बारिश आने का जैसा हो गया। बारिश की संभावना लग रहा है मेरे को, शाम तक में तो बारिश आ जाएगा मोटा मोटी मेरे को लग रहा है। आइए, ये नदी का व्यू है, देखिए तूसा नदी का व्यू है। यही है हम लोग का मधुबनी रेस्टोरेंट, जो मधुबनी रेस्टोरेंट है यही है। देखिए छोटा छोटा सा है, जब ये लोग इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को एंटरटेनमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं आपको आगे एक तरफ से दिखाता हूँ। ओ यहाँ पे मेरे ख्याल से आई लव जयगांव मधुबन पार्क। देखिए दोस्तों, आई लव जयगांव मधुबन पार्क लिखा हुआ यहाँ पे, इसके लिए बनाया था आज शूट करके। गार्डन है, छोटा सा फ्लावर का गार्डन है, कितना खूबसूरत फ्लावर है। देखिए ये देखिए, लिली है और तो मेरे को मालूम नहीं फ्लावर का नाम। देखिए ये सब फ्लावर है, यहाँ पे बैठने का है। आगे भी फ्लावर है, दो गार्डन बनाया गया है ये गेस्ट लोग के लिए। बच्चा लोग आएगा, खेलेगा, देखेंगे फूल का रौनक, अच्छा लगेगा। फूल का खुशबू तो सबको अच्छा लगता है ना, और फूल सबको प्यार भी है फूलों से। ये फूल तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। यहाँ पे बैठने का सीट भी है, अगर थक जाए तो इस बैठे जा सकता है। मेरे को कैसा लग रहा है देखिए। ठीक है, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। वीडियो बना थक गया ना, इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखिए, गार्डन बहुत, एक छोटा सा जगह है, इसी में ये सब बनाया गया है। छोटा सा जगह में अभी भी काम चल रहा है ये लोग का, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ये सब गार्डन का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। ये अभी बन रहा है मेरे ख्याल से, अभी इतना लोग तो यहाँ पे नहीं आ रहे, नया नया लगता है। और अभी बन रहा है ये सब, देखिए अभी बन रहा है, कोई बना रहा है, कुछ काम बाकी है। इसमें काम पूरा जब हो जाएगा तो ये भी अच्छी तरह से खुल जाएगा सबके सब के लिए। आ जाओ दोस्त, आगे से दिखाओ, इस तरफ से दिखाओ यार। ये सूर्य का कुछ बनाया गया है, ये धूप का है, ये फ्लावर है और ये बैम्बू का सूट है। चलो देखो, ये सब तो गार्डन ही है। गार्डन
देखिए लिखा हुआ है बच्चों लोग का खेलने का जगह है, ये बच्चे लोग आके खेलते हैं यहाँ पे। ये एक हम लोग जिगजा बोलते हैं ना, वो है। देखिए यहाँ पे बच्चे, चार बच्चे बैठते हैं, वो खेला करते हैं इस पे। हम लोग तो अभी बड़े हो गया, नहीं खेल सकते हैं। बच्चे लोग का ये शीशा है यहाँ पे ऊपर नीचे, आपको मालूम है ये सबसे बेहतरीन है। जब भी हम लोग बच्चों में कहीं पे जाते थे तो ज़्यादातर ये खेल खेलते थे हम लोग ही। हम लोग पसंद है ये खेलते मेरे को। एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। बच्चों लोग के लिए है, इसे लिखा भी गया है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बच्चों का खेलने का जगह है। अब आइए इस साइड से, ये झूला है। मैंने पहले भी कहा था मेरे को झूले से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये ऊंचाई की तरफ जाता है फिर नीचे आता है ना, मैं ऊंचाई से पूरा डर लगता है, इसलिए मैं बच्चों से झूला नहीं खेला हूँ। कभी खेला था, बहुत रोया था मैं जब झूला खेला था तो। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा, ये सब है इसका मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो आप लोग से मैं फिर एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसको थोड़ा मेरे को आगे तक लेके जाना है, और आप लोग को इससे भी अच्छा अच्छा खूबसूरत खूबसूरत व्यूज दिखाना है। इस गार्डन में क्या है मालूम है, एक छोटा सा ब्रिज भी है जो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना। ये देखिए दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा? एक छोटा सा ब्रिज है जस्ट दिखाने के लिए, लेकिन शूट करने में अच्छा लगता है, फोटो व्यू बहुत अच्छा आता है इसका। देखिए इस साइड में तालाब का कुछ बनाया गया है, इस साइड में तालाब का, लेकिन पानी नहीं अभी बन ही रहा है, कंस्ट्रक्शन पे है, आधा काम हुआ है आधा काम नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब गेट आ गया। छोटा सा रेस्टोरेंट था, इसका व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब लाइक और शेयर हमेशा कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं आगे तक जाऊँ और आपको आगे में अच्छा अच्छा व्यूज आपको दिखा सकूँ। चले दोस्तों, हम लोग देखिए ये ड्रिंक्स ले रहे हैं। ये मेरा दोस्त का फैमिली मेम्बर है, ये मेरे टीना है और रूपा बहन है। हम सब मिलके आज आए हैं यहाँ पे थोड़ा समय निकाल करके आपका ब्लॉग बनाने के लिए, नहीं तो हम लोग आने वाले नहीं थे। ये देखिए ये लोग मजाक कर रहे हैं आपस में। तो ये चिकन सिटी फैमिली है, एक वाई वाई का वो भुजिया लिया हुआ है, वो हम लोग खा रहे हैं। यही सब है दोस्तों, मज़ा यही सब में है। हाय दोस्तों, आज मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिन में दिखाया था तुसा व्यू रिसोर्ट। ये आज अभी रात का व्यू है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ रात में हम लोग तुसा व्यू रिसोर्ट कैसा दिखता है बोल के। आइए मेरे साथ में आपको एक नजारा उस तुसा व्यू रिसोर्ट की ओर। तो देखो दोस्तों, रात में ये व्यू ऐसा दिखता है, यहाँ पे लाइटिंग है, पूरा लाइट वगैरह दिखा हुआ है, बल्ब है, सब नाच गाना चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, म्यूजिक भी आ रहा है। देखिए रात का नजारा, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा।
इस प्रकार से तू सब यूजर रात का जो व्यू है यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, कल मिलेंगे।